आज का दिन है बड़ा सुहाना। ऑगी बना है स्विमिंग का दीवाना, बीच समंदर में जाके डुबकी लगाई, पर हाय रे उस। दोस्तों, टीवी पर दिखाई जाने वाली इस फेमस कार्टून शो ओगी एंड द कॉकरोच को कौन नहीं जानता होगा। ये कार्टून आज भी इंडिया में काफी फेमस है और आप लोगों ने भी इस कार्टून को जरूर देखे होंगे। काफी टाइम ऐसे देखने को मिलता है कि फेमस एनिमेशन सीरीज या फिर किसी फिल्म के लीड कैरेक्टर के बारे में हमें पता होता है, जैसे कि ओगी एंड द कॉकरोच में ओगी का आवाज। सुबह सुबह स्विमिंग करने का मजा ही कुछ और है। आई जस्ट लव स्विमिंग। मेरी पूंछ को क्या हुआ? हे शार्क, छोड़ दे मेरी पूंछ को, मेरी पूंछ। इस वॉइस को सुनने के बाद आपको लगता होगा कि इसकी डबिंग शाहरुख खान ने किया है। ऐसे ही इस कार्टून के कई ऐसे कैरेक्टर हैं जिसकी आवाज रियली में बॉलीवुड एक्टर से मिलती है, लेकिन क्या आपको लगता है कि क्या सच में इन सभी आवाज को बॉलीवुड एक्टर्स के द्वारा डब किया जाता होगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इन सभी कैरेक्टर्स में वॉइस किसी मल्टीपल स्टार्स का नहीं है, बल्कि ये वॉइस किसी एक ही पर्सन के द्वारा दिया गया है और इनका नाम है संजय खेनी। ये कार्टून इसलिए भी इतना फेमस है क्योंकि इसमें बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स का मिमिक्री किया जाता है। दरअसल ओगी एंड द कॉकरोच में शो के इंडियन कमेंट के मुताबिक हर कैरेक्टर में आवाज को देसी तड़का लगाने के लिए बॉलीवुड एक्टर्स का मिमिक्री किया जाता है और इन सभी कैरेक्टर का मिमिक संजय खेनी ही करते हैं, चाहे इस कार्टून में आओ करने वाली शक्ति कपूर की आवाज हो। पहलवान बॉब, ओगी की नींद से चुराता हूँ ख्वाब, सीधी तरह से ओगी को छोड़ दे वरना हो जाएगी तरवी, ठक टिके ठक टिके। या फिर 2.5 किलो की हाथ वाले सन्नी पाजी का आवाज हो। मैं जानता हूँ बड़ी बकरे की दी जाती है शेर की नहीं, तो क्या हुआ मेरा भाई, एक बिल्ला है मगर उसका जिगर तो एक शेर का है। इन सभी कैरेक्टर में आर्टिस्ट संजय खेनी ही अपना आवाज देते हैं और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इस शो का यही अंदाज और इसका अनोखापन लोगों को काफी पसंद आती है। इस कार्टून को मोस्टली बच्चे ही देखते हैं क्योंकि इसके आवाज और इसके एनिमेशन ही ऐसा है कि बच्चे दिन भर टीवी पर इस कार्टून के साथ चिपके हुए रहते हैं। दोस्तों, अगर हम इस शो की ओरिजिनल कंटेंट की बात करें तो इसमें टॉम एंड जेरी के तरह ही बिल्कुल भी आवाज नहीं है, मतलब असल में ओगी एंड द कॉकरोच बिना किसी डायलॉग का है जिसमें टॉम एंड जेरी के तरह बस एक्शन होते रहते हैं। अगर हम कार्टून में ओगी की बात करें तो इसमें बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान का मिमिक्री किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि वॉइस आर्टिस्ट संजय खेनी किस प्रकार से अपना आवाज दे रहे हैं। भाग भाग के आओ, दौड़ दौड़ के आओ, कुछ और नहीं तो मेरी चेन्नई एक्सप्रेस पकड़ के आओ, बचाओ। दोस्तों, इसके अलावा आप सभी को इसमें जैक का कैरेक्टर तो याद ही होगा। जी हाँ, वही जैक कैरेक्टर जिसमें सनी देओल का मिमिक्री किया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि उस कैरेक्टर में भी संजय खेनी किस प्रकार से अपना वॉइस दे रहे हैं। सीधी तरह से मेरे भाई को छोड़ दे वरना तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, सारे दादू खार दूंगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दे कि इस कार्टून को इंडिया में साल 2012 में लॉन्च किया गया था और तभी से संजय खेनी इस कार्टून में डबिंग कर रहे हैं। संजय खेनी बेसिकली अपने स्टार्टिंग के करियर से ही बॉलीवुड एक्टर्स की मिमिक्री करते आए हैं। दिमाग खराब हो गया तेरा? अरे जूनी को पास कर दिया, रेहान को फेल कर दिया। इंडिया में लॉन्च करने से पहले इस कार्टून को सबसे पहले फ्रांस में लॉन्च किया गया था। जब इस कार्टून को इंडिया में लॉन्च किया गया था तो संजय इसमें शुरुआत से ही अपना आवाज देते आए हैं और शायद इसी एनिमेटेड कार्टून ओगी एंड द कॉकरोच से उन्हें दुनिया भर में नई पहचान मिली। इस कार्टून में डबिंग के वजह से संजय खेनी को बॉलीवुड से भी कई सारे ऑफर्स आने लगी, जिसके बाद उन्होंने कई सारी हिंदी फिल्में जैसे कि धूम, भावनाओं को समझो और मैं जिंदगी हूँ जैसे कि हिंदी मूवी में वॉइस आर्टिस्ट के तौर पर अपनी आवाज दी है। वैसे दोस्तों, अगर आपने इस कार्टून को देखा है तो इस वीडियो के कमेंट में यह जरूर बताइएगा कि आपको इसका किस कैरेक्टर का आवाज सबसे अच्छा लगता है। और इस वीडियो को देखने के बाद तो आपको पता चल ही गया होगा कि फेमस कार्टून शो ओगी एंड द कॉकरोच में किस वॉइस आर्टिस्ट का आवाज डबिंग किया जाता है। हमें इस वीडियो के कमेंट में यह जरूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी है, साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसका मानसिक ही नहीं शारीरिक संतुलन भी हिल गया, बिना हृदय परिवर्तन नहीं हुई।